सारे चेयरमैन साहब मीटिंग हुई थी, चेयरमैन साहब ने अपनी अपनी प्रॉब्लम दसियां। सब तो वड्डी प्रॉब्लम जिहड़ी सानूं सारों पहले ही पता है कि कोविड का करोना महामारी का असर सीगा, वो सब तो वड्डी एक हिंडरस आई, रुकावट आई, रैगूलर मीटिंगां नहीं हो सकियां। उहदे नाल साडा 9-10 महीने हाले तक भी साडा 100% जिहड़ा दफ्तर स्मूथ नहीं हो सकिया, उहदे 'च मीटिंगां प्रॉपर नहीं हो सकियां। लेकिन कुछ मेरे साथियों ने चेयरमैन ने रैगूलर मीटिंगां कीतियां भी हैं, जिदां बिल्डिंग बनाने ने 10 कीतियां, बीएनडी ने 6-7 कीतियां, बिलाज ठक ने 6-7 कीतियां, इदां सब ने अपना अपना उपराला कीता, कुछ ना रिजल्ट मिले ने। तो कुछ मैंने भी शिकायत आई है कुछ ऑफिसर ने इन्हों कोऑपरेट नहीं किया, वो मेरे ध्यान से कुछ आया तो मैं इन्हों कहा भी तुम थोड़ा होर हिम्मत करो, रैगूलर मीटिंग करो, जिते तुम्हें कोई मुश्किल आ रही है मेरे नाल डिस्कस करके असं रल मिल के उसका समाधान करांगे। जिन्नियां रैगूलर मीटिंगा होणगियां उहदे विच शहर वासियों नूं होर सहूलतां मिलणगियां, कौंसलर साहब नूं सहूलतां मिलणगियां। इस वास्ते सारे ने अज फैसला किया कि असीं रैगूलर मीटिंगा रखांगे। मैं इन्हां नूं बेनती की मिनीमम महीने की एक मीटिंग करनी जरूरी है, जे वह भी नहीं उस तो अलावा तीन कर सकते, चार भी कर सकते मीटिंगा। जिन्नियां मीटिंगा करांगे उस साडी कोई ना कोई डिवेलपमेंट प्रोग्रेस आएगी, जिहदे नाल लोकां नूं कौंसलर साथियों नूं जनरल पब्लिक बहुत राहत मिलेगी। अज मैं सारे मेरे चेयरमैन साहब ने यह भरोसा दिलाया कि असं रैगूलर मीटिंग तो भी बाद मीटिंगा करांगे, और मैं उम्मीद करांगे सारे इदा ही मीटिंगा करांगे और शहर की होर डिवेलपमेंट होगी। सर कोई चेयरमैन चेंज की गई है किसी की? नहीं, ऐसे कोई चेयरमैन चेंज नहीं किया गया, हाल की घड़ी उन्ने ही ना, क्योंकि साल तक सा पूरा महामारी निकल गया। इस बार एक बार फिर अभी सर जिदा कई बार मीटिंगा जाता कि जो चेयरमैन है या मैंबर है जो अफसर कहें आदेश मानते नहीं, अफसर या मुलाजम मेरे ध्यान आया है, ये सख्त कार्रवाई की जाएगी।